शिवांग है और आज मैं अपने YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और आज फर्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ गाजियाबाद से लेंसडाउन, और ये हमारा सारा सामान रेडी हो चुका है। तो आज आपको लेके चलते हैं एक रोमांच भरे सफ़र पे। चलिए आइए। बैराज के पास आए हुए हैं और ये गंगा बैराज है बिजनौर के पास, और ये गाजियाबाद से तकरीबन 124 किलोमीटर दूर है जिस लोकेशन से हम यहाँ पर आए हैं। की जर्नी के बाद हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया है और अभी हम रुके हुए हैं खेरा पंजाबी ढाबा पे। 10-15 मिनट के गैप के बाद फिर हम अपने सफ़र को दोबारा आगे शुरू करेंगे। ये लंच डाउन से पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, ये 40 किलोमीटर पहले है और ये सिद्ध पीठ है। आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। टेम्पल और ये देखिए हनुमान का और दर्शन करिए। से 4 किलोमीटर नीचे हैं और अभी हम ब्लू पाइन रिजॉर्ट में हैं। तो आइए आपको आज ब्लू पाइन रिजॉर्ट दिखाते हैं। तो फेर के 1 बज रहे हैं लेकिन यहाँ देख के ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बज रहे हों। और यहाँ का मौसम देखिए, बादलों से घिरा हुआ हमारा होटल। चक्कर में मैं आपसे एक बात भूल गया था, मैं इंट्रो कराना भूल गया था। ये मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम है दैविक चौक। ये रास्ता बच्चों के चिल्ड्रन प्ले एरिया में जा रहा है, स्विमिंग पूल में जा रहा है, जिम है। आइए आपको लेकर चलते हैं। और ये बच्चों का चिल्ड्रन प्ले एरिया है और स्विमिंग पूल जाने का रास्ता चिल्ड्रन प्ले एरिया के बराबर में से स्टेयर से जा रही है, यहाँ वहाँ पर से है, ये लिखा हुआ आ रहा है बोर्ड पे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। और यहाँ पे ये गेट है जो 8 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। फाइनली हम स्विमिंग पूल की तरफ आ चुके हैं और ये देखिए स्विमिंग पूल, और यहाँ चेयर्स हैं, आप आराम से आके बैठ सकते हैं। बच्चे हैं आपके छोटे तो उन्हें लेके बैठ सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ से व्यू देखिए इन वैलियों का।
और मेरे बच्चों का एक छोटा सा प्ले एरिया है, ये देखिए, और ये बच्चों का प्ले एरिया, यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्विमिंग विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अगर आप अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर से लेके आते हैं तो आपको कोई चार्जिंग देना, और घर से नहीं लेके आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये चार्ज लिया जाता है मैन का और 200 रुपीज़ लिया जाता है वुमेन का। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है। फाइनली अब हम आ गए लंच डाउन में, और चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू गढ़वाल राइफल्स, ये पूरा मिलिट्री एरिया है। ये लैंसडाउन मार्केट है, यहाँ पे पार्किंग है, टैक्सी पार्किंग है ये। ये एक पार्क है, इसके आसपास ये मार्केट है, बहुत छोटा सा पार्क है ये। एक्चुअली में जो लैंसडाउन जो बसा हुआ है वो मिलिट्री एरिया के पर्पज से बसा हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस बनता चला गया। ये मार्केट है, मैं आपको गाड़ी से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है जो मैं आपको उतर के दिखाऊँ उस मार्केट को। ये छोटी सी मार्केट है, और चलिए आपको लेकर चलते हैं भुल्ला ताल की तरफ। और ये हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फाइनली हम भुल्ला ताल पहुंच चुके हैं। और ये हम आ गए हैं भुल्ला ताल, और हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है। यहाँ पे भी बच्चों के लिए एक्टिविटी है। और ये भुल्ला ताल है, ये भुल्ला ताल का एरिया है। इस समय बारिश ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से इसे क्लोज कर रखा है। ये देखिए यहाँ क्लोज का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन बारिश के दौरान ये बंद, इसे बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ बोटिंग होती है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो हम टिफिन टॉप की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक चर्च मिलती है, तो आइए आपको दिखाते हैं चर्च। सेंट मैरी चर्च है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 1896 में हुआ है। आइए आपको लेकर चलते हैं चर्च के अंदर। चर्च का जो टाइमिंग है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे गढ़वा राइफल्स के, और ये देखिए ये चर्च है, और यहाँ की फ्लोर वुडन की है। देखिए कितनी सुंदर चर्च है। आइए चलते हैं बाहर की तरफ।